नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। तो देखिए, सुबह सुबह आज गए थे मंडी, तो मंडी से देखिए कितना सारा सामान ले आए हैं। मूली ले आए हैं, खीरा और धनिया की पत्तियाँ देखिए कितना सारा ले आए हैं, और टमाटर भी ले आए हैं। तो देखिए प्याज का जो कि साड़ा ले आए हैं, प्याज की पत्तियों से इसकी सब्जी जो है बहुत अच्छी बनती है। तो आज मैं इसी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी सारा ले आया है, निकाल देते हैं इसको थैले में से, पहले पॉलिथीन में से। गाजर खाओगे? गाजर नहीं लाया बाबू, मूली लाए हैं। मूली टमाटर गाजर नहीं मिलता अभी। तो देखिए इतना सारा प्याज की जो कि पत्तियां साड़ा है, इसको हम पहले छील लेते हैं प्याज को, इसकी सब्जी बनाएंगे और साथ में टमाटर की चटनी और मोटी वाली जो कि लिट्टी भी लगाएंगे आज। तो सब सोच रहे हैं यही सब आज खाया जाए सुबह सुबह। कि जो हरे पत्तियों को हमारे यहाँ गाँव में साड़ा बोलते हैं इसको, तो देखिए इसको हम छील लेते हैं प्याज को, काफ़ी मोटा मोटा प्याज। इस समय ठंडी आ गया तो पालक मेथी और प्याज के जो हरे पत्ते हैं ये सब मार्केट में आसानी से मिल जा रहे हैं। और धनिया की पत्तियाँ देखिए कितना अच्छा मतलब मार्केट में मिला हुआ है। ठंडियों को जो धनिया की पत्तियाँ होती है काफ़ी अच्छी होती है, आप चाहे सब्जी में डालें चटनी बनाएं बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो आज मैं देखिए धनिया की चटनी और प्याज के पत्तियों की सब्जी और साथ में मोटी रोटी लगाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा खाने में आज। तो सबसे पहले हम इसको नेर लेते हैं, जो अच्छे पत्ते हैं छाट लेंगे, जो ख़राब है उनको निकाल लेते हैं पहले। इसका प्याज का छिलका जो कि हटा दिया मैंने, अब पत्तियों को देखिए ऊपर से इसको तोड़ देते हैं इस तरीके से। मत तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ते, पूरा चौथने लगा हुई। देखिए फिर दो भाग कर लेते, धोने में भी आसानी रहेगा बाबू। दो रख दो उसमें, रख दो बाबू खेलना। जो प्याज के पत्ते देखिए मैंने छाट लिया, अब इसमें हम आलू भी डालेंगे, लहसुन लिया, अदरक लिया है, तो सबको हम छील लेते हैं। आलू को भी थोड़ा सा आलू भी डाल देते हैं, अब लहसुन छील लेते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा लहसुन छील लिया, थोड़ा सा और छील लेते हैं चटनी के लिए भी। इधर मैंने आलू और जो प्याज के पत्ते थे इनको ले लिया, अब इनको साफ पानी से कई बार धो लेते हैं, धो के रख लेते हैं कई बार। तो इधर देखिए मैंने सारा चीज़ धो लिया है, अब सबसे पहले हम प्याज के पत्तों को काट लेते हैं प्याज सहित इस तरीके से। लुगड़ी तुम्हारे लिए गिफ्ट। कौन सा? अरे वाह थैंक यू। देखिए अमरूद पका पका एकदम, कल मैं देखी थी पेड़ में काफ़ी सारा पक रहा है और चिड़ियाँ जो है इसको खुद खुद खा रही हैं। एक खराब हो गया है ना। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो पका भी बहुत अच्छे से ये है। तुमको अमरूद बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। इस तरीके से देखिए मैंने आलू भी काट लिया है, थोड़ा सा मोटे और लंबे में काटा है, और प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। अब चलते हैं चटनी की तैयारी करते हैं, टमाटर काट लेते हैं, धनिया की पत्तियों काट लेते हैं। अब देखिए धनिया की पत्तियों काट लेते हैं, इतना बढ़िया धनिया की पत्तियाँ लग रही हैं, और ठंड के मौसम में चटनी ये सब अच्छा लगता है। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, और चटनी बनाने के लिए भी सब कुछ रेडी हो गया है। इधर देखिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया है और ईंधन को जला दिया है, अच्छे से आग लग रहा है, और आज मैं सब्जी बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल लिया अपने घर का, इसको डालती हूँ। ये सब्जी हम सरसों के तेल में बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है, तो सरसों का मैंने तेल यहाँ पर डाल दिया है। अब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम तड़का लगाते हैं। यहाँ पे देखिए सरसों का तेल जो है कि अच्छे तरीके से जब इसका धुआं निकल जाए तभी इसमें तड़का लगाए, तो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम जीरा, और इधर मैंने लिया है थोड़ा सा हींग, इसको डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर का ये बड़ी या कोहरी इसको बोलते हैं, जब भी साग सब्जी बनती है हमारे यहाँ तो इसको ज़रूर डालते हैं, इससे जो कि जब तड़का लगता है तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम एक बार फोड़ के डाल दे रहे हैं, एक ही डालेंगे, बहुत इसमें सारे मिर्च मसाले सूखे लाल मिर्च सब रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सूखा लाल मिर्च भी लिया है, तोड़ के इसको डाला है, डाल देते हैं। और इधर मैंने हरी मिर्च लिया है एक, इसको काटा है बारीक, इसको डाल देते हैं। इधर मैंने अदरक और लहसुन दोनों लिया है, तो इसको हम डाल देंगे, तड़का लगा देते हैं इसका भी, और अच्छे से अदरक और लहसुन को लाल कर लेते हैं। ये सब जो चीज़ें बारीक काट के पड़ते हैं प्याज के सब्जी में हरे वाले, तो बहुत अच्छा बनता है सब्जी। यहाँ पर देखिए लहसुन और अदरक को मैंने एकदम बारीक काटा हुआ है, इसको अच्छे से लाल करके तब हम आलू डालेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए हमारा तड़का लाल हो गया है, अब इसमें हम कटे हुए आलू को डाल देते हैं। तो साग जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा आलू मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आलू के साथ खाते हैं, साग को भी पसंद भी करते हैं आलू, इसीलिए मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ। बिना आलू के भी आप प्याज के पत्ते वाली साग जो है बना सकते हैं, इसको मैं चला दे रही हूँ अच्छे से। इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार, तो आधा चम्मच इसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक हम हिसाब से डालेंगे सब्जी, क्योंकि जो हमारा प्याज का साग है वो गलकर थोड़ा ही होगा, इसीलिए मैंने नमक अपने हिसाब से डाल दिया है। इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे देखिए मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया, इसको डाल देते हैं। बढ़िया से चलाकर इसको भून लेते हैं आलू के छिलके पर।
काफी देर तक मैंने नमक और हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसको भून लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज के पत्तों को कटे हुए प्याज सहित। ये देखने में जितने सुंदर लगते हैं खाने में इतना ही सब्जी इसकी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से देखिए फैला कर हम डाल दे रहे हैं। अब इसको हम चला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में इसका कलर भी। और आलू में जो मैंने सब कुछ डाला है हल्दी और लाल मिर्च और तड़का जो लगाया देखिए बिल्कुल चला रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये देखिए मैंने इसको चलाया है देखिए थोड़ा सा गलने लगा है और पानी भी थोड़ा छोड़ने लगा है। इसको ढक कर हम धीमी आंच पर पकाते हैं और चलते जब तक हम अपना देसी चटनी पीस लेते हैं मोटी रोटी के साथ खाने के लिए। तो जब तक हमारा सब्जी पकता है इधर देखिए हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर और धनिया की पत्तियों काट लिया है मैंने तो इसको हम सिलबट्टे पर रख देते हैं पीसने के लिए। और इधर देखिए मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च दिया इसको भी डाल लेते हैं इसमें। उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। चटनी मेरी मित्तिया को बहुत ज़्यादा पसंद है बाबू को भी पसंद है और मोटी रोटी के साथ तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोनों लोग और मेरे इनको भी बहुत पसंद है चटनी। अब सिलबट्टे पे हम एकदम चटनी को बारीक पीस लेते हैं। तो चटनी देखिए मेरा पीस गया है। अब इसको उठा ले कटोरी में चटनी पीसते हुए मुँह में पानी ज़्यादा इतना चटनी देख के तो पानी आ रहा है मुँह में। इसको मिला दे रहे बढ़िया से नमक और लहसुन अदरक जो होता है सब में मिल जाए चटनी में अच्छे तरीके से। बाबू चटनी खाओगे? अभी हम मूली का सलाद भी बनाएंगे काट कर। मूली टमाटर खीरा बारीक काटते हैं और चटनी रहेगा सब्जी रहेगा और मूठी वाली लिट्टी के साथ खाएंगे आज मज़ा आएगा खाने में। तो चटनी को मैंने उठा ली अब चलते हैं सब्जी की तरफ। तो सब्जी को ढककर पकाए काफ़ी देर हो गया देखते हैं सब्जी क्या हाल है। तो देखिए काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है प्याज के पत्तों ने तो देखिए इसको चला दे रहे हैं और इसमें डाल लेते हैं मसाला। अभी मसाला मैंने नहीं डाला था। अम्मा दिल्ली गई हैं। अम्मा दिल्ली गई हैं। तो इधर देखिए धनिया पाउडर मैंने लिया एक चम्मच इसको डाल लेते हैं और इधर मैंने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला इसको डाल लेते हैं। अब चलाने के बाद इसको ढक देंगे। देखिए मसाला को बढ़िया से मैंने मिलाकर चला दिया इसको ढक देंगे थाली से भी पका लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने गेहूँ काटा लिया अब इसको सान लेते हैं। आटा मेरा गुथ गया उधर देखिए दूसरी तरफ रख दिया है सब्जी पक रहा है इधर रख दिया तावा। इस पर हम मोटी रोटी बना लेते हैं तो थोड़ा लोई हम ज़्यादा लेंगे जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल उससे ज़्यादा थोड़ा सा आटा लेंगे। आटा तो जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा आटा लेंगे मोटी रोटी के लिए। तो इस तरीके देखिए गोल गोल घुमाएंगे लोई को हाथों में इस तरीके से बना लेंगे थोड़ा चिपटा करके अब हम बैथन लगा लेते हैं। इस तरीके से इसको हम जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से बेलना है। अभी बनाती हूँ बाबू का भी जब तक चपटा करो उसको। हाँ देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मोटे में बेला है अब इसको हम तवे पे डालेंगे ऐसे हम। और देखिए बाबू का मैं बेल के बना दे रही हूँ छोटा सा मुन्नू सा। चलो अभी रखती हूँ इसको देखिए पलट देते हैं हम एक तरफ पल लाल हो गया है बाबू को भी देखिए साइड में ही पे रख देते हैं। और ऐसे ही हम मोटी रोटी और बना लेते हैं लोई ज़्यादा लेकर। तो तवे पे देखिए दोनों तरफ से इसको हमने लाल कर लिया अब इसको हम आग में सिझाएंगे। तो साइड से इधर रख देते हैं बेली हुई रोटी तवे पे देखिए इसको साइड साइड से इस तरीके से चारों तरफ से हम पका लेंगे। इसको भी देखिए तवे का पलट देते हैं अब इधर देखिए पलट देते हैं आगे साइड तो देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। इसको दोनों तरफ से आग पे पकाना पड़ता है सिझाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए फूल गया सिर्फ चिमटे से मैंने दबा दिया देखिए कितना बढ़िया फूल के हुआ है। तो ये देखिए हमारी जो कि रोटी मोटी वाली बनकर रेडी हो गया ऐसे ही हम और बना लेते हैं। इधर हमारा सब्जी और लिट्टी और चटनी सब हो गया तो इनको निकालती हूँ खाना इनको बहुत ऐसे भूख लग गई है। तो ये देखिए सब्जी हमारी पक कर एकदम रेडी हो गया है सूख भी गया है। इसमें हम धनिया के पत्तों को डाल देते हैं। ये देखिए डालकर हम इसको चला देंगे। तो हमारे गांव में इस तरीके से देखिए प्याज की सब्जी बनती है प्याज के हरे पत्तों का। अब इनको निकालती हूँ खाना प्लेट में। तो ये देखिए इसमें हम सब्जी निकाल दे रहे हैं एक तरफ और इधर देखिए जो मैंने चटनी बनाया है देसी सिलबट्टे पीस के इसको निकालेंगे एक तरफ और इधर देखिए काफ़ी सारा मूली और खीरा काटा इन्होंने इसको भी साइड में रख देती हूँ एक तरफ।
और पत्तों को भी डाल देती हूँ मूली के नरम नरम। इसमें देखिए जो मेरी लिट्टी बनी है फूली फूली, इसको हम झाड़ के इनको देते हैं। तो ये देखिए मैंने झाड़ लिया, इसको थाली में रख देते हैं दोस्तों। और खाइए देखिए कैसा बना है चटनी और सब्जी। तो ये देखिए खा कर बताएंगे कैसा लग रहा है सब्जी और चटनी, साथ में मोटी रोटी भी। मेरे फेवरेट सब्जी में से एक है प्याज की सब्जी, बहुत बढ़िया। हाँ इनको बहुत अच्छा लगता है प्याज की सब्जी वाली, एकदम चटपटी बनी है, जबरदस्त एकदम, सच में चटनी भी सही है। तो इनको जो कि चटनी और इनकी सब्जी जो है प्याज वाली बहुत फेवरेट है और इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो आज इनको मज़ा आ रहा है खाने में। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप प्याज की सब्जी बनाएंगे साथ में चटनी बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है खाने में मोटी रोटी के साथ। तो ये था हमारा गाँव का देसी पकवान, तो ये था हमारा गाँव का देसी खाना जो हम लोग खाते हैं इसको ठंडियों में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।